तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत बजी लब्बर। तो कैसे हो सारे? मुझे ज़्यादा ठीक ठाक होंगे, बस ठीक होंगे आप भाइयों के दौर से। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बस ठीक है। तो गाइस, आपको पता होगा, जैसे कि आपको मैंने वीडियो लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मैंने मटकी थी, जितनी भी मटकी थी सारी मैंने अपने जो कॉलोनी है उसके अंदर मैंने लगा दी थी। तो गाइस, जो बसीज हैं, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने उनको जो ब्रेक दे रखा था, 3 महीने का उनको मैंने रेस्ट दे रखा था, तो वो काफ़ी एग्रेसिव हो रखे थे और उनका जो पेयरिंग है वो ऑलरेडी लगा हुआ था, लेकिन कुछ जो बजीज हैं उनका पेयर टूट के दूसरी जो फीमेल मेल से एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया है। वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो ब्लड लाइन होती है वो स्ट्रांग होती है। जो एक ही मेल फीमेल से जो बच्चे पैदा होते हैं और उनके बच्चे पैदा होते हैं, जितनी देर उन्हें जनरेशन बढ़ेगी तो उनका जो ब्लड लाइन है वो वीक होगी। तो ये भी अच्छा हुआ कि ज़्यादातर जो पेयर हैं वो एक्सचेंज हो गए हैं। तो गाइज़, आप देख पा रहे होंगे जितनी भी फीमेल वगैरह हैं सबकी सब ने सारी मटकियां हैं वो सेलेक्ट कर ली हैं गाइज़। तो बहुत ही जल्द हमें जो एग वगैरह है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे भी होगा मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट वन से ब्रीडिंग सीज़न बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज़, लगाने के लिए तो मैं जो मटकी थी वो मैं जुलाई के स्टार्टिंग में लगा लेता, लेकिन उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि गाइस जुलाई के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो क्योंकि जो बारिश होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी आती है। तो इसकी वजह से मैंने बिल्कुल अगस्त में जो मटकी हैं वो लगाई हैं। उसका रीज़न ये है कि गाइस, धीरे धीरे जो बरसात का मौसम है वो ख़त्म हो लेगा, इतने हमारे बजीज का अच्छे से पेयर होगा, अच्छे मटकियाँ सेलेक्ट करेंगी और जितने अंडे देंगी वो जैसे अंडे का टाइमिंग बढ़ेगा उसके साथ ही जो ह्यूमिडिटी है वो भी कम, वो अपने कम हो जाएगी। और उससे क्या होगा कि जो ह्यूमिडिटी से क्या होता है, क्या है गाइस, जो एग के अंदर जैसे हमारे बजीज एग ले करते हैं, बिल्कुल उसके अंदर जो बच्चा है वो पल जाता है। ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है कि बच्चा डेड इन सेल हो जाता है, इसलिए जो बच्चा जो उसके अंदर बन रहा होता है वो ह्यूमिडिटी के कारण वो डेड हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं अगस्त के स्टार्टिंग में मटके लगाऊंगा। तो कम से कम ज़्यादा ना, तो गाइस 15 से 20 दिन तो ये कम से कम लेंगे ही अच्छे सेटल होने में, और सारे के सारे बजीज जो एग देंगे वो 15 से 20 जो लेंगे। गाइस, में क्या है कि जो मेरे जो फीमेल मेल हैं इसमें से क्या हुआ था कि क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो कॉलोनी पे आए थे, तो उनको जो जो पसंद आया था उन्होंने वो ले गए थे। तो उससे क्या हुआ कि मेरी कॉलोनी के अंदर एक दिक्कत क्या आ गई कि गाइस, जो मेल फीमेल का जो अनुपात है, यानी कि मेल ज़्यादा हो गए हैं फीमेल कम हो गए, इसलिए मुझे इसमें जो एक्स्ट्रा फीमेल हैं वो मुझे इसके अंदर डालनी पड़ेंगी। तो इससे क्या हो गया कि बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम जो फीमेल है वो मेरे पास बची हैं। तो देखता हूँ कि बिल्कुल एडल्ट जो फीमेल कहाँ से मिलेंगी मेरे को, वहाँ से ट्राई करूँगा, यार दोस्त हैं उनसे बातचीत करूँगा कि जैसे भी होगा कि और अच्छी क्वालिटी की जो फीमेल है वो मैं लेके आऊँगा। मैक्सिमम मैं जो फीमेल लेके आऊँगा वो स्पैंगल फीमेल लेके आऊँगा, क्योंकि स्पैंगल से क्या होता है कि जो ब्लड जो उनकी जो ब्लड लाइन होती है वो भी ठीक ठाक होती है, लेकिन एक दो जो इसमें जो बजीज हैं वो वाइल्ड के भी डालूंगा मैं, क्योंकि जो वाइल्ड के जो बजीज होते हैं उनकी जो ब्लड लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, हर तरीके से बच्चे पालने में, एग वगैरह देने में, फर्टिलिटी के हर तरीके से वो बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बजीज होंगे मैं वो जो फीमेल होंगी मैं उस स्पैंगल और एक वाइल्ड ऐसे करके मैं डालूंगा, क्योंकि अल्बिनो लुटेनो क्या होता है कि इनकी जो ब्लड लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा देखने में तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, लेकिन इनकी जो ब्लड लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। जितना कि एक ग्रीन जो वाइल्ड होती है फीमेल, उसकी जो ब्लड लाइन होती है, जो उसकी जो क्षमता होती है, क्योंकि वो नेचुरल होती है, ये जो इनकी जो क्रॉस ब्रीडिंग करा करा के जो ये स्पीसीज निकलती हैं, नई नई वैरायटी निकलती है, नए नए कलर निकलते हैं, वो निकलते हैं, ठीक है। तो देखता हूँ कि कहाँ से मेरे को एडल्ट फीमेलें मिलेंगी। अगर आप किसी के पास एडल्ट फीमेलें हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में मेरा नाम मुझे अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, मैं आपको वार्ता करूँगा, मैं आपको कोऑर्डिनेट कर लूँगा। अगर आप NCR दिल्ली के आसपास कहीं से भी हो तो आप मुझे ज़रूर फ़ोन करें, अगर दिल्ली से दूर हो तो आप फ़ोन ना करें या फिर कोई नंबर वगैरह अपना शेयर ना करें, क्योंकि नंबर शेयर करने से ज़्यादा सबके पास नंबर जाता है, को आपको कोई अलग कुछ पर्सन है वो आपको परेशान ना करें। तो इसकी वजह से आप जो फीमेल आपके पास फीमेल है या फिर आपके किसी के दोस्त के पास फीमेल है तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे वो जो फीमेल है वो मैं परचेज़ कर लूँगा मुनासिब रेट पर। तो ये था गाइस कि उससे क्या होगा, कॉलोनी के अंदर जो
जो मेल फीमेल का जो एक बहुत ज़्यादा चक्कर पड़ रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जितनी मेल होंगे उतनी फीमेल है मैं उसके अंदर डाल दूंगा। तो गाइस फ़िलहाल तो कम ही बजीज है, फ़िलहाल तो कम है 30 से 40 पेयर टोटल जो बचे रखे हैं इसके अंदर। कम से कम ज़्यादा ना तो 50 से लेकर 60 के अराउंड मेल पड़े हुए हैं, फीमेल बहुत कम है। इसलिए एक फ़ीमेल के पीछे देख रहे होंगे, एक फ़ीमेल के चक्कर में चार पाँच मेल हैं वो लगे हुए हैं। इससे क्या होगा कि जो फीमेल है वो अच्छे से मीटिंग नहीं कर पाएंगी तो एग वो फर्टाइल नहीं होंगे। एग तो दे देंगे लेकिन वो अनफर्टाइल एग वगैरह होंगे। फीमेलें बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं क्योंकि एक मेल पूरे दिन आप देख पा रहे होंगे एक फ़ीमेल के पीछे चार पाँच मेल हैं वो लगे हुए हैं। तो बहुत ही जल्द जो मैं अडल्ट, क्योंकि अब तो टाइम रहा नहीं है कि सेमी अडल्ट में फ़ीमेल लेके आऊँ, कहीं से किसी यार दोस्त के सेटअप से ही लेके आऊँगा अडल्ट फीमेल, ठीक है। तो वो अरेंज करता हूँ मैं, तो आपको जैसे भी अपडेट होगा सारा कुछ आपसे शेयर किया जाएगा। तो गाइस जैसी वीडियो लगी हो अगर कमेंट्स ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। क्या आपने अपनी कॉलोनी के अंदर मटके लगा दिए, जिसने लगा दिए वो मेरे को कमेंट्स कर सकता है। तो गाइस मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक से, जब तक नमस्कार, बाय बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें।